अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? सब के खैरियत से हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हमें नॉर्थ वेल्स में ये एक स्टेटली होम था जो सा वो हमारे रास्ते में आया, हमने कहा क्यों ना इस पर ब्लॉग बनाया जाए। असल में हम जा रहे थे क्लैंगोटलैंड, ये काफ़ी फेमस नॉर्थ वेल्स का खूबसूरत टाउन है, उसके ऊपर भी एक अलग ब्लॉग आएगा, फॉलोअप रखिएगा। लेकिन ये जो है अपना स्टेटली होम, जिसमें इस वक्त इसके गार्डन्स में हूँ मैं, अभी फ़िलहाल अंदर नहीं गए, प्रॉपर टिकट्स तो ले ली हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली स्टेटली होम जो है, ये अपना जो बहुत पुराने घर हैं यहाँ, तकरीबन 300-300 400-400 साल पुराने, ये मेरा ख्याल कुछ रफली कोई 350 साल से ऊपर है, 360 साल पुराना घर है ये। बहुत बड़ा हाउस है जो कि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के अंडर रहा है, मुख्तलिफ़ फैमिली यहाँ रहती रही हैं, फिर आगे सेल करती रही हैं। तो आखिर में जो फैमिली थी यहाँ, उन्होंने इस घर को नेशनल ट्रस्ट जो है, जो यूके में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जो कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं सारों को वो ओन करता है। जो लोग इस तरह अपना देना चाहते हैं, अपनी हिस्टोरिकल प्लेस, अपनी जगह जो उनसे बहुत ज़्यादा पुरानी हो, वो ना रहना चाह रहे हो उधर, तो वो इनको एज अ गिफ्ट कर देते हैं। तो इन यह जो यहाँ फैमिली लास्ट रह रही थी, उन्होंने भी इनको गिफ्ट कर दिया यह हाउस, क्योंकि वो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो नेशनल ट्रस्ट है, ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये फिर इसको मेंटेन भी रखते हैं घरों को, और अंदर एज इट इज़ प्रिजर्व भी रखते हैं। तो घर बहुत पुराना है, अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In the next yard. Follow the path down to the next yard and find all facilities there. जी टिकट्स ले ली हैं हमने, ये £15 पर एडल्ट चार्ज करते हैं, बच्चे जो उनसे हैं वो फ्री हैं साथ। ये जी कारपेंटर का रूम, 350 साल पुराना। कैरेज, हॉर्स कैरेज, ये जी स्टेबल है घोड़ों का। ये घोड़े रखते थे, ये जी गाड़ियाँ देखे हैं, 300-400 साल पुरानी गाड़ियाँ। ये लोगों के यूज़ में थी ये गाड़ियाँ। ये उन वक्तों की साइकिलें, कितने बड़े बड़े व्हील्स हैं, देख करें, टोटली डिफरेंट किस्म की साइकिलें हैं। ये उन वक्तों के 100-100 200-200 साल पुराने कैरिजेज हैं, ये चेक करें जी।
ये उन वक्तों की मर्सिडीजें होंगी। सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसकी, अर्ली 20th सेंचुरी की है ये कैरेजेस जितने भी हैं। यहाँ इन्होंने हर चीज़ के ना यार्ड्स अलग बनाए हुए हैं। ये जो यार्ड है ये सारे घोड़ों से रिलेटेड है, और उससे पहले जो उनका था वो एक कुत्तों का अलग है। बाकी हॉर्स एंड कैरेजेस जो उनसे हैं वो अलग इन्होंने पोर्शन में रखे हुए हैं। ये जी किचन है उस वक़्त का, यहाँ ये बेकिंग करते थे। इसके ना आर्टिफिशियल किस्म के इन्होंने ना बस बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं शो के लिए। वो सामने बेकिंग होती थी नॉवेल्स में, तराजू। ये भी किचन का हिस्सा है। चूल्हे चेक करें, बहुत पुराने। ये जी लॉन्ड्री रूम, ये कपड़े सुखाए हुए हैं। ये जो मशीन है ये स्क्वीज़ करने के लिए होती थी पानी को कपड़ों में से। ये भी लॉन्ड्री रूम का हिस्सा है, यहाँ भी है ना कपड़ों को धोते होंगे। इस मशीन में ये स्क्वीज़ करते थे, इसमें फंसा के फिर घुमाते थे तो कपड़ा स्क्वीज़ हो जाता। और वो जो आगे वाली है इसमें डाल के इसको ड्राई किया जाता था, कपड़ों को घुमाते थे ड्राई हो जाते। ये उन वक्तों के जो लोग हैं उनकी पिक्चर हैं जो यहाँ रहते रहे। बर्तनों का इनका स्टोर, मुख्तलिफ किस्म के बर्तन रखे हुए। ये जी इन लोगों का डाइनिंग रूम, उनकी कैप और ड्रेसेस ये इनका मेन सिटिंग रूम प्लस डाइनिंग रूम। यहाँ से बाहर गार्डन बहुत प्यारे हैं इसके, लवली व्यू फ्रॉम द विंडो।
this a sitting room or? It's what they call the saloon. Saloon? Yes. Once you've had your meal in the dining room, yeah, the ladies would come in here, or find somewhere to sit, talk, read, knitting, whatever. Oh, yeah. While the gentleman went downstairs to play billiards. Oh, that's good. It's quite posh. Oh, definitely. It used to be two rooms originally. Oh, yeah. The parents' room was that side, and the second room was this side, you're dressing in that. Oh, yes. But it was the one kept in case royalty visited. Oh, that's good. Which was a shame. They never did until it was finished with. It's quite nice here. Thanks. You're welcome. इनका रीडिंग रूम ना पहुंच उन वक्तों में ज़्यादा लोग हैं ये जेंट्स का सिटिंग रूम जो रूम मैं आपको पहले दिखा रहा था वो असल में था खाना खाने के बाद लेडीज़ वहाँ पर बैठती थी ये जी आपको टॉयलेट दिखाते हैं इनका ये जी टॉयलेट उन वक्तों का टॉयलेट और ये लोगों का चर्च था घर के अंदर ही छोटा सा चर्च यहाँ बैठ के ये लोग इबादत करते थे ये एक्चुअली बहुत रिच फैमिलीज थी जो यहाँ रहती रही हैं इतना बड़ा घर एक आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता उन वक्तों में तो बहुत ही रिच होंगे ये लोग जी इस वक्त हम गार्डन में आ गए हैं असल में घर का जो सबसे टॉप पोर्शन है बेडरूम जहाँ इनके सबके थे बेडरूम्स और स्टिल उसी के उसी तरह लेकिन वो इन्होंने भी बंद किए हुए हैं रिपेयर वर्क हो रहा है उधर कुछ तो इसलिए मज़ीद ऊपर नहीं हम जा सकते अब हम आ गए हैं गार्डन्स में ये फ्रंट हाउस का व्यू ने ह्यूज गार्डन्स है नाशपातियाँ लगी हुई हैं जी फ्रेश नाशपातियाँ वाह जी वाह बच्चों का प्ले एरिया ज़रा डिफरेंट किस्म का प्ले एरिया जैसे जंगल बनाया हुआ है इन्होंने इसमें ऑब्स्टिकल से बनाए हुए हैं पुराना दरख्त उसमें सुराख किया हुआ है कि उसमें जाएं
देखिए कितनी खूबसूरती से काव किया है इन्होंने, ट्री को फॉक्स बना दिया इन्होंने। वाह जबरदस्त, कमल के फूल खिले हुए हैं झील के अंदर। इतने ह्यूज गार्डन्स हैं कि इनको कितना मुश्किल होता होगा उन्हें मेंटेन रखना, और काफ़ी कॉस्टली होगा ये, इसीलिए ये जो लोग यहाँ रहते रहे हैं काफ़ी रिच थे। ये था जी आज का व्लॉग, तो प्लीज़ फॉलो अप रखिए आप। इंशाल्लाह नॉर्थ वेल्स में अभी 2-3 स्पॉट और हैं जो कवर करने हैं, तो उन सब के व्लॉग जो उनसे आने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।